Hello everyone, my name is Avdesh Tyagi and in this video we will discuss the second part of chimney draught and its calculation. For the first part, you should watch the previous video. In this video, we will discuss about the topic condition for maximum discharge through a chimney, which is a part of unit number 3 in the subject applied thermodynamics having subject code KME401. तो चिमनी के थ्रू पास होने वाली जो गैसेस होती हैं उनके डिस्चार्ज को मैक्सिमम जो कंडीशन बनाती है उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम उन जो गैसेस हैं उनके मास फ्लो रेट का एक जनरलाइज फार्मूला लिखेंगे जो कि है mg.area(velocity)×density। तो यहाँ पर हमने एरिया को कैपिटल ए से डिनोट किया है, गैसेज की वेलोसिटी को कैपिटल सीजी से किया है और डेंसिटी को हमने रोजी से किया है। तो यहाँ पर हम देखें जो वेलोसिटी है गैसेस की सी जी उसको हम अंडर रूट ऑफ 2gh से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एम जी डॉट का जो फॉर्मूला बनकर आता है वो होता है एरिया इंटू रोजी इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh g। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 बोलेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑलरेडी हम एच जी को जो हॉट गैसेस के कॉलम था उसका उसकी जो हाइट थी एच जी उसको हम इक्वेशन नंबर 10 ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 11 हो गई। अब इसके बाद जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी जो हमारा रोजी था और जो हमारी इक्वेशन नंबर 10 है जो कि एच जी है, उन दोनों की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 11 में रखेंगे। तो वैल्यूज रखने के बाद में एम जी डॉट का जो एक्सप्रेशन बनकर आता है वो टॉप में लिखा हुआ है, जो इक्वेशन टॉप पर है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन के टॉप पर देखें तो सभी टर्म्स टी जी को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स हमारी फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं। सो टी जी हमारा एक वेरिएबल होगा और क्योंकि हमें एम जी डॉट जो कि मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लो गैसेस हैं उसी एम जी डॉट को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम मैथमेटिक्स की मैक्सिमम कंडीशन का यूज करेंगे, जिसमें हम किसी फंक्शन को जिसको हमें मैक्सिमम करना होता है उसको हम किसी वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको जीरो के बराबर पुट करके हमें वो कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा वो वेरिएबल है टी जी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में, हम जो वेरिएबल है टी जी उसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स को छोड़ के बाकी जितने टर्म्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो हम अंडर रूट 2gh को, फर्स्ट स्टेप के अंडर रूट 2gh को भी सेपरेट कर लेते हैं और इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 12 मिलती है। इक्वेशन नंबर 12 में हमने एक कॉन्स्टेंट k इंट्रोड्यूस किया है जो कि a इंटू 353 इंटू एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में हम इक्वेशन नंबर 12 को TG के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमें कंडीशन मिलेगी। अब जब हम इक्वेशन नंबर 12 का डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे TG के रिस्पेक्ट में तो हम देखेंगे कि सेकंड स्टेप में आने के बाद K हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने एक टर्म X इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि 1 अपॉन TA इंटू MA अपॉन MA प्लस 1 ये टर्म हमारा बार बार रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा था, तो उस रिडंडेंसी से बचने के लिए हम उसको x से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि हमें बार बार उस बड़े से टर्म को ना लिखना पड़े, उसकी जगह हम सीधे x लिखेंगे। उसके बाद अगर हम आगे देखें हमने सिंपली उसका सिंप्लीफिकेशन किया है। अगर हम अपने स्टेप्स को और सिंप्लीफाई करते जाएं तो आप देखिए धीरे धीरे करके हम स्टेप नंबर 4 पर पहुंचेंगे जहां पर है x इंटू टी जी इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम x की जो वैल्यू थी उसको हम वापस रख देंगे और इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन नंबर 13, टी जी अपॉन टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए। यही हमारी है वो कंडीशन जिस पर हमारा चिमनी के थ्रू पास होने वाला डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। अब इस कंडीशन को यूज करके हम आगे फर्दर बहुत सारी इक्वेशंस डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 13 से हमें जो कंडीशन मिली है उस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 12 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 12 वही इक्वेशन है जिसको जब हमने टी जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो हमें इक्वेशन नंबर 13 वाली कंडीशन मिली थी। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 12 में वो कंडीशन रखा तो हमें एक्सप्रेशन मिला एम जी मैक्स इज इक्वल टू के अपॉन टी जी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए इंटू एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो सिर्फ रह जाएगा एम जी मैक्स डॉट इज इक्वल टू के अपॉन टी जी
अब यहाँ पर हम के की वैल्यू जो हमने कांस्टेंट लिया था के, उसकी वैल्यू अगर वापस रीस्टोर कर दें तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 मिलती है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो हमारे चिमनी के थ्रू जो हॉट फ्लू गैसेस पास हो रही हैं उनका मैक्सिमम मास। अब अगर क्वेश्चन नंबर 14 का जो RHS का सबसे लास्ट टर्म था Ma+1/Ma, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 13 से अगर लें और रखें तो हमें Mg max की एक नई वैल्यू मिलती है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 15 से दिखाया है। ये भी Mg max का एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसी तरीके से हम इक्वेशन 13 को कुछ और इक्वेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने एक इक्वेशन 10 फॉर्म की थी जो कि हॉट गैस के कॉलम जो था उसकी हाइट Hg को रिप्रेजेंट करती थी। अगर हम इक्वेशन नंबर 13 को 10 में यूज़ करें तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिलता है Hg = H। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन के समय ही वैलिड है। इसी तरीके से हमने पिछले वीडियो में इक्वेशन नंबर 8 भी असाइन की थी जिसमें हम वाटर कॉलम के हेड को Hw को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस इक्वेशन 8 में भी अगर इक्वेशन नंबर 13 की कंडीशन को यूज़ किया जाए तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 17 है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इक्वेशन नंबर 17 भी Hw की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है जब मैक्सिमम डिस्चार्ज है। अब हम चिमनी का डायमीटर निकालने का तरीका समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि चिमनी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर है और उसका डायमीटर कैपिटल डी है। तो हम मास फ्लो रेट की इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम Mg = A (ρg)CG को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम A की वैल्यू, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू π/4d² रखेंगे। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे स्टेप्स को और लास्ट में हमें d = 1.128 √Mg/ρg/CG मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 18 है जो कि हमारा चिमनी का डायमीटर देगी। अगर आप लोगों की आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो इस वीडियो में हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ चिमनी, इस कंडीशन को समझा, उसे डेराइव किया और उस कंडीशन को यूज़ करके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ जो इक्वेशंस डेराइव की थी उनको भी हमने मॉडिफाई किया। ये हमारे डिपार्टमेंट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हैं। अगले वीडियो में हम ड्रॉट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये हमारे इंस्टीट्यूट के विजन एंड मिशन है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।